तो गाइस अगर आप सभी लोगों के पास रेडमी वाई टू का फ़ोन है और अगर आपके फ़ोन में जो गैरेना फ्री फायर मैक्स का जो एप्लीकेशन है गेम है ये यहाँ पे आपके फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं प्ले स्टोर से, तो इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ये जो गेम है वो दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आपके रेडमी वाई टू के फ़ोन में गेम दिखाई नहीं दे रहा है और इसको आप डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन में अप्लाई करते हैं तो आप इस गेम को आसानी से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है वहाँ पर आपको जाना है और उसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैनेज एप्लीकेशन में चले जाना है और यहाँ पे आपको जो है सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्ले स्टोर। इस तरीके से आप जो है प्ले स्टोर लिखेंगे तो आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्टोरेज पे जाना है और क्लियर डाटा कर लेनी है। तो गाइस सबसे पहले आप सभी लोग प्ले स्टोर में क्लियर डाटा कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको इस गेम को लिख के सर्च करना है। तो आपके फ़ोन में गाइस आसानी से जो गेम है वो आ जाएगा और इस तरीके से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। बट गाइस ये जो ट्रिक है वो अगर आपके फ़ोन में काम नहीं करता है फिर भी आपके फ़ोन में जो फ्री फायर मैक्स का गेम है वो आपके फ़ोन में नहीं दिखाता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में और डेफिनेटली आप जो है क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्री फायर। इस तरीके से आप जो है लिखिए फ्री फायर मैक्स और यहाँ पर आपको लिख देना है APK PURE और डाउनलोड लिख लेना है। तो इस तरीके से गाइज आपको जो है डाउनलोड लिख लेनी है और जिसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप मोड को ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से फर्स्ट में APK PURE करके एक वेबसाइट आएगी तो उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करना है ओपन करने के बाद और यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो गेम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है और 862 MB का जो है ये गेम है। तो आप यहाँ पे गैरेना फ्री फायर मैक्स के गेम को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे गाइस डेफिनेटली आपके फ़ोन में यहाँ पर शो करने लगेगा, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस इसी तरीके से आप सभी लोग जो है अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर में शो नहीं होता है तो इस गेम को आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।